देख सकते हो कि मैं एकदम जो नर्सरी वाली ड्राइंग होती है वो मैं कितना अच्छा कर रही थी यहाँ पे। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी ख़राब हूँ इस चीज़ में, बट क्योंकि मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ और मुझे बचपन की कुछ ऐसे यादें हैं कि मैं बचपन में मासी के घर ऐसे आंगन में ऐसे यू नो मार्बल के ऊपर ऐसे कर रही थी मैं, तो वही मुझे याद आया। और मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोज़ देखे कुछ ऐसे माचिस की तीली से ऐसे ऐसे करके कुछ ना अच्छा अच्छा चीज़ डिज़ाइन करते हैं, बट मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की जिसमें मुझे मैं बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई, बट कोई बात नहीं, ये एक एंजॉयमेंट होती है। सो या ट्राई इट एक्चुअली। घर में अकेली रहती हूँ तो इस बार मैं जो पूजा कर रही हूँ तो मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। आपने देखा मैं डेकोरेशन भी सब अकेले किया और अभी पूजा की तैयारी भी करनी है, वो सब भी मैं अकेले कर रही हूँ। तो आई होप मैं खुद से ऐसे छोटी सी जो कोशिश की है वो सही रहे। तो चलिए पूजा की तैयारी पहले कर देते हैं। तो अभी पूजा हो चुकी है और थोड़े बहुत डेकोरेशन भी हो चुका है, लेकिन ये जो लाइट है ना ये आर्टिफिशियल लगता है जब तक आप दिए ना जलाओ। तो दिवाली में जब तक दिए ना जले तब तक अच्छे नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत जो मिट्टी वाले दिए हैं वो जलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। कोशिश किए बस छोटी तरीके से, थोड़ी बहुत दिवाली, थोड़ी बहुत यू नो सजावट, थोड़ा पूजा कर लिया, तो बस ऐसे ही। फैमिली से दूर रहती हैं, याद तो उनकी आती होगी। कितना डिफरेंट है कलकत्ता में और मुंबई में, जो सेलिब्रेशन वाइब्स होती है ना थोड़ी तो अलग रहती हैं, तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे? आई थिंक जैसे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है घर घर में, वहाँ पे जो होती है वहाँ पे काली पूजा प्रॉपर पंडाल में होती है, जैसे दुर्गा पूजा पंडाल में प्रॉपर होती है, वैसे ही अलग अलग यू नो सोसाइटी में अपने अपने सोसाइटी में सब पंडाल बनाते हैं और काली पूजा करते हैं। और वहाँ पे भी ऐसे हम लोग लाइट्स लगाते हैं और जैसे यहाँ पे लाइट्स लगाते हैं वो चीज़ सेम होती है, और जैसे यहाँ पे छोटे मोटे पटाखे फोड़ते हैं वो भी वहाँ पे फोड़ते हैं, तो वो चीज़ भी सेम है। बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, वहाँ पे काली पूजा होती है। ओके, तो बचपन में लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होता है कि कपड़े नए आएंगे, पटाखे आएंगे, स्वीट्स आएंगे, तो आप किस चीज़ को लेकर बहुत खुश रहती थी? कपड़ों को लेकर स्पेशली बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हर दिन शाम को सुबह को अलग अलग कपड़े हमको पहनने को मिलता था। लाइक इट वाज लाइक अ कंपटीशन कि अच्छा किसके कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छा है ना दोस्तों में या कजिन्स में, तो वो चीज़ लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और अदरवाइज पटाखे लेके तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सब साथ में मिल के शाम को यू नो फुलझड़ी और चरखी वगैरह वो सब, चरखी बोलते हैं ना राइट, चकली ओके हम लोग चरखी कुछ तो बोलते हैं, हाँ जो घूमता है वो वाला, तो वो सब फोड़ती थी। तो आज क्या कौन से पटाखे हैं आपके पास? मेरे पास अभी सिर्फ फुलझड़ी है, तो अभी मैं बस फुलझड़ी करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है और यू नो दिवाली की शगुन टाइप एक लगता है कि हाँ चलो पटाखे फोड़ने का जो है वो फुलझड़ी से भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी यू नो बचपन की याद दिलाते हैं। और मेरे पास भी वही है और मैं भी आज सिर्फ वही जलाने वाली हूँ। फुलझड़ी भी जल चुकी है, तो कैसा रहा आज का पूरा दिन ही कह सकती हूँ? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिवाली थोड़ा से अलग तरीके से मनाई मैंने पहली बार बॉम्बे में ऐसे, हाँ भले ही थोड़ी अकेली हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अकेले यू नो अपने हाथ से डेकोरेशन करना, पूजा करना, फिर फुलझड़ी जलाना और आप लोग भी आ गए तो सोने पे सुहागा, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एंजॉय किया आज आपने पूरी तरह से, पहली बार इस तरह से दिवाली मना के? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
लास्टली फैंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे? फैंस को बोलूंगी कि हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छे से मनाइए एंड हैव अ सेफ दिवाली. प्लीज़ सब लोग बोलते रहते, मैं भी बोल रही हूँ, बॉम्ब्स वगैरह मत फोड़िए, सिंपल फुलझड़ी या जो यू नो साउंड वाले नहीं होते वैसे पटाखे फोड़िए, क्योंकि स्पेशली एनिमल्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. और आप सबको पता है, जो मेरे फैंस हैं मुझे तो पता ही है और सबको पता है कि मुझे कितने एनिमल्स से प्यार है. मेरे खुद के घर में डॉगीज है. सो प्लीज़ और अच्छे से मनाइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरामैन सिद्धेश के साथ अपर्णा द्विवेदी, E24 मुंबई.